नेकी पैगाम नंबर एक रोमियो बारा बाब दूसरी आयत और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया के बेशर ममालिकमरीका के कैनेडा जापान फ्रांस इंडिया फिलिपाइन और हंडूरस में वाक है रेवरेंट डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक हैं जैसे की के युगान्डा कैनिया जापान पाकिस्तान फिलिपाइन हंडुरस इंडिया रूस जर्मनी परू, और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल है हालिया क्रूसेड जो के मेडिसन स्क्वेर गार्डन में हुआ दो सौ ऐसी ममालिक में सेटेलाइट के जरिए नशर किया गया उनकी रूहानी और सिफाई इबादात को दो सौ ऐसी ममालिक में सेटेलाइट रेडियो टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है सन दो हजार में जुगान्टा में मुनदा इंचीले मुद्दस क्रूसेड को सी एन एन आरोप भी दिखाया गया और इन क्रूसेड की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया मसीह में बहनों और भाइयों, और मकामी इबादत खानों के मेंबरान, और इंटरनेट के जरिए इस इबादत में शरीक बहन और भाई और सैटेलाइट के जरिए शरीक बहन भाई और टेलीविजन के तमाम नाजरीन आज का हवाला रोमियो बारा बाब की दूसरी आयत कहती है और इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो आज दुनिया गुनाहों से भरी पड़ी है और ये जिस्म उसके बहाव में है लोग ये समझते भी नहीं कि वो बदी कर रहे हैं और नेकी को तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है जरूर है कि आप कभी दुनिया के हम शक्ल बनकर जिस्म के बहाव में ना फंसे जरूर है कि आप रूह के बहाव में खुदा के फरजंदों की हैसियत से अलग हो जाएं। हमें इसमें इम्तियाज करना है कि नेकी और काबिल कबूल और खुदा की कामिल मर्जी क्या है और हमें उसके मुताबिक रहना है मैं ये समझने के लिए खुदा की नजर में नेकी क्या है और बाइबल मुकद्दस में बहुत से लोगों की नेकी की मिसालों के जरिए अपने दिल का मुआयना करने का एक मौका देना चाहूंगा जब आपने रूह जान और बदन पर पैगामात सुने तो नेकी पर यह पैगामा रूह और पूरे रूह में आने के लिए आपकी बहुत मदद करेंगे वो पैगाम उन्नीस सौ सतानवे के दो हफ्तों पर मुश्तमिल रिवाइवल मीटिंग के पैगाम के साथ करीबी बाहमी ताल्लुक रखते हैं उस वक्त मैंने बहुत से मेंबर्स से सुना कि उन्होंने पैगाम के वसीले अपनी मसीही जिंदगियों के दर्जात में अजीम अकदाम किए शायद आप सोचते हो कि मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है क्या मैं ये कभी कर भी सकूंगा लेकिन उस वक्त का सोचें जो आप गुजार चुके हैं अब आपको यह करने के काबिल होना चाहिए मुझे यकीन है कि आप कहेंगे ठीक है मैं भी ये कर सकता हूं और आप जरूर इसको करेंगे आप सोचते हैं कि आप एक अच्छी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन फिर आपको समझ आती है कि आप में बहुत सी चीजों की कमी थी बस आपने तौबा की और एक बार फिर नेकी के गहरे दर्जे में जाने का इरादा किया आप में से कुछ हैं जिन्होंने रिवाइवल मीटिंग में शिरकत नहीं की थी मगर इसकी बजाय आपने पैगाम की कैसेट सुनी या किताब पढ़ी थी इस तरह के कुछ लोग हैं वो मेरे पास दुआ लेने आते हैं और कहते हैं कि मैं खुदावंद की परस्तिश करता हूं मैं दुआ करना बंद ही नहीं करता और मुझे यकीन है कि मैं अपने फराय सर अंजाम देने में ईमानदार हूं तो फिर मुझे ये बीमारी क्यों लगी और मैं शिफा क्यों नहीं पा रहा अगर आप उनमें से हैं तो बराए मेहरबानी मुआयना कीजिए कि अब आप नेकी के किस किस्म के दर्जे में हैं? अगर आपने लंबी मसीही जिंदगी बसर की है अगर आप चर्च के तजर्बाकार कारकुन हैं अगर आप अपने इलाके में एक लीडर हैं अगर आप खुदा के खादिम या एल्डर हैं तो आपके ईमान और नेकी के दर्जे को पुख्ता होना चाहिए और आपको खुदा बाप के मुशाबे होना चाहिए खुदा बाप के मुशाबे होना ही हकीकी मसीही जिंदगी है अपने खुदा और खुदावंत के मुशाबे होना ही मसीही जिंदगी है सिर्फ चर्च जाना और चर्च के कुछ काम करना ये मसीही जिंदगी नहीं है ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते जो चाहें कि बच्चे महज स्कूल ही जाएं। यकीनन वो चाहते होंगे कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और वो चाहते होंगे कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएं। यकीनन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी मुलाजमत भी हासिल करें और अपनी जिंदगियों में कामयाब भी हों ये पैगाम बड़े अहम नकात पर मुश्तमिल हैं चुनाव चुनाचे इस साल आप रूह के बहाव पर सवार हो सकते हैं अगर पैगाम के उन नुकात को आप अपने दिल में मुकम्मल कर लें तो आप एक पूरे रूहानी आदमी के तौर पर खुदा से पहचान हासिल कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप हकीकतन हकीकताज करने के काबिल होंगे कि खुदा की नेक तमन्ना क्या है और इन पैगाम के वसीले आप नेकी में अमल करेंगे ताकि खुदा बाप आपके साथ खुश हो मैं खुदावंत के नाम में दुआ गो हूं कि आप फौरन रूह में और पूरे रूह में जाएं, खुदा को बहुत ज्यादा जलाल दें और वो तमाम बरकत हासिल करें जो खुदा बाप ने आपके लिए तैयार कर रखी है मैंने आपको कई बार बताया कि एक बार आप रूह में आ जाएं तो आपके इल्म आपके तालीमी पसमंजर और आपके हुनर की कोई बात नहीं होगी खुदा बाप अपने रूह में आ चुके हुए फरजंदों की तरह बरकत की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा और आपको हदायत देगा खुदा बजाते खुद यह हमारा खुदा है जो बरकत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है वो काम करता है मेरे मामले में खुदा ने मेरे रूह में जाने से ऐन पहले मुझे मुबारक कर दिया इसलिए हुआ कि मैं उसके कलाम की फरमा बरदारी करता था और उसके कलाम का पाबंद था उसने बरकत की जाने मेरी रहनुमाई ठीक ठीक की इसका इतलाक सिर्फ मुझ पर ही नहीं होता ये आप सब पर भी लागू होता है मसीह में अजीज बहनों और भाइयों रूह के बहाव में होने के लिए आपको इम्तियाज करना चाहिए कि खुदा की नेक मर्जी असल में क्या है और उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए लेकिन ये इम्तियाज करने के लिए कोई चीज नेक है या नहीं हमें नेकी का एक मैार रखना पड़ता है आप सब नेकी से प्यार करते हैं ठीक है आप सब नेक होना चाहते हैं चूंकि हमारा खुदाबाप नेक है आप हमारे खुदाबाप के मुशाबे होना और नेक बनना चाहते हैं लेकिन आपने ये शनाख्त करने के लिए कोई मैार नहीं रखा कि नेकी क्या है और क्या नेकी नहीं इसलिए खुदाबाप ने हमें एक मैार बख्शा है खुदा ने बताया कि नेकी क्या है, है और नेकी का मैार क्या है चुनाचे आप खुद को परख सकते हैं क्या मैं हकीकतन नेक हूं या नहीं क्या मैं हकीकतन नेक रहा हूं नेकी का मतजाद बदी है मैं किस तरह नेक रहा हूं आप खुद को परख सकते हैं जब हम कतई कामिल नेकी को जान जाएंगे सिर्फ उस वक्त ये इम्तियाज करने के काबिल होंगे कि उस मयार के मुताबिक नेकी क्या है लूका अठारवे बाब की अठारवी आयत में एक आदमी ने यसु को नेक उस्ताद कहा फिर उन्नीसवी आयत में यसु ने जवाब दिया मुझे क्यों नेक कहता है कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा हकीकत में सिर्फ खुदा ही नेक है और उसका कलाम बाइबल मुकद्दस नेकी का सबसे बड़ा मैार भी है बेशक हमारा खुदाबंद और रोहल खुद खुदा के साथ एक है बस उनका दिल बजाते खुद नेक है मगर इस आयत में यसु ने कहा यसु ने ऐसा क्यों कहा कि कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा ये इसलिए कि उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि यसु इंतहाई फितरत के साथ खुदा का बेटा है बल्कि वो उसे सिर्फ एक आदमी और एक मखलूक ही समझते थे इसलिए ये कहने से कि सिर्फ खुदा नेक है यसु ने लोगों को उन लोगों से रोशनास कराया जो हतमी नेकी समझने या हासिल करने का कतई मुमकिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं रखते थे या उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था अगरचे यसु में भी कोई गुनाह नहीं था उस जमाने में वो बनिनो इंसान को उनके गुनाहों से रिहाई देने के लिए आया था जब तक यसु ने सलीबी निजात की पेशन गोई को मुकम्मल न कर लिया बनिनो इंसान के तमाम गुनाहों का बोझ उठाने के लिए उसकी हैसियत एक पाक कुर्बानी की थी और इसलिए उसने ना कहा कि वो नेक है लेकिन जमीन पर अपना फर्ज सर अंजाम देने और निजात दहिंदा बनने के लिए दोबारा जिंदा होने के बाद उसकी नेकी खुदा बाप जैसी और उसके साथ एक थी इसलिए कुद्स का दिल भी कामिल तौर पर नेक है अगर रूहुल कुद्स हासिल किए हुए खुदा के फर्जंद पूरी तरह रूहुल कुद्स की ख्वाहिश पर चले तो हर कोई कामिल नेकी का दिल हासिल कर सकता है क्या बाइबल मुकदस नहीं फरमाती कि जब खुदा का कलाम हम में है तो हम खुदाबंद और खुदा बाप में है मसीहजीज़ बहनों और भाइयों दुनियादार लोगों की नजर में और खुदा की नजर में नेकी और नेकी का मैार बिल्कुल फर्क फर्क है आप जरूर समझें कि बहुत सी चीजें जिनको आप नेक समझते थे जब आपने खुदा का कलाम सुना और सीखा तो दरअसल वो नेक नहीं थी अगरचे आपने इस दुनिया के मुताबिक नेक जिंदगी बसर की जब रोहुल खुद साहब के दिल को नेकी के कामिल मैार के साथ चमकाता है तो आप समझ सकते हैं कि आप में बहुत से पहलू थे जो नेक नहीं थे अब इस दुनिया में किस किस्म का शख्स नेक समझा जाता है नेकी के बारे वेबस्टर की तारीफ यह है कि नेक होने का मैार या बयान या एक फायदा बख्श किरदार या एक अमल। लोग उसका करते हैं जो फायदा बख्श हो वो उसको उठाते हैं जिसको अपने ख्याल के मुताबिक पसंद करते हैं नेक लोग उसका इंतख्या करते हैं जो कुछ उनकी आंखों को अच्छा लगता है लोग अपने जमीर के साथ मेल खाने वाले मैार के साथ इस किस्म के बेबुनियाद मैार का लाया अमल बनाते हैं दूसरे अल्फाज में वो अपने जमीर का लाया अमल बनाने लगते हैं और वो अपने जमीर के मुताबिक शनाख्त करते हैं कि क्या नेकी है और क्या बदी है पर कोई दूसरों से मुख्तलिफ ज़मीर रख लेता है और वो उनके मैार होते हैं वो सब इल्म के मुख्तलिफ दर्जात और मुख्तलिफ खानदानी पस मंजर रखते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ उस्तादों से सीखा होता है उन तमाम चीजों ने उनको दूसरों से मुख्तलिफ बनाया होता है इसलिए जिसको वो नेकी समझते हैं हो सकता है दूसरों की नजर में वो नेकी ना हो लेकिन इंसानों का जमीर नेकी का कामिल नहीं हो सकता जैसे आपने रूहजान और बदन के सीखा, जमीर सच और झूठ का एक महलूल है यानी सफेद नीयत और सह नीयत जैसे लोग पैदा होते और बड़े होते हैं वो सच और झूठ को मिला देते हैं और ये कहने के लिए कदर का अपना ही एक मैार बना लेते हैं कि ये सच है इसलिए जमीर में झूठ होता है और ये नस्लों और इलाकों के मुताबिक और एक ही जगह पर एक ही नस्ल के दरमियान भी मुख्तलिफ हो सकता है ये फर्दन फर्दन मुख्तलिफ होता है उनके खानदान और तालीम के मुताबिक ये सब कुछ मुख्तलिफ होता है कुछ लोगों के लिए कोई चीज नेकी है मगर दूसरे लोगों के लिए वो नेकी नहीं होती बाज ममालिक में कोई चीज नेकी समझी जाती है मगर दूसरे ममालिक में वही चीज बुराई समझी जाती है एक तरफ ये वक्तन-फवक्तन तब्दील भी होता है इसके मुताबिक कि आप किस दौर में रहते हैं ये सब मुख्तलिफ होता है इसलिए जमीर हरगिज एक मायार नहीं हो सकता नेकी का मायार सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है जो हरगिज तब्दील नहीं होता जमीर जिसको लोग नेकी के मायार के तौर पर कबूल करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक नेकी का मैार बिल्कुल मुख्तलिफ मार हैं मिसाल के तौर पर बाज नावलों में वो इतलाक करते हैं कि बदला लेना बच्चों का हक है और जब उनके वालदे धोखे से कत्ल कर दिए गए हों तो बजाते खुद बदला लेना रास्ती है तब बदला लेने के बाद ये एक और दुश्मनी पैदा करेगा और एक अलमिया कई अलमियों को लाएगा बहुत से अलमिया जन्म लेंगे आप जानते हैं कि उनके माँ बाप बे इंसाफी से कत्ल कर दिए गए और वो अपने बच्चों को बदला लेने का कहते हैं मेरे बेटे तू कभी भी मेरा बदला लेना अपने जहन से मत निकालना वो मरते हुए भी बुराई कर जाते हैं चुनाचे खुदा फरमाता है कि बदला लेना बदी है और माफ कर देना नेकी है मती पांचवें बाप की तैंतालीस से चवालीस आयत कहती हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो वो कहता है कि हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखें अगर हम अपने दुश्मन से मोहब्बत नहीं रखते तो यह किस तरह बदी है वो हमें कहता है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो अगर हम अपने भाइयों से अपने खानदान से या उससे मोहब्बत नहीं रखते जो हमारा दुश्मन नहीं तो ये वैसे ही एक बदी है और वो हमसे कहता है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो हम उसके लिए किस तरह दुआ करें ऐ खुदा बाप कोई मुझे सताता है मेहरबानी फरमा के कुछ करो मेहरबानी फरमा कर उसे सजा दो क्या इस तरह नहीं है नहीं ऐ खुदा बाप मेहरबानी फरमा के उस पर अपना फजल कर ताकि वो इसको समझ सके अगर वो गलत समझता है तो मेहरबानी फरमा के उसको ये समझा और उसके दिल को तस्कीन दे मेहरबानी फरमा के मुझे उसके साथ सुलह करने की अकलता फरमा आप इस तरह दुआ करें आप जरूर इसके लिए बरकत की दुआ करें अब क्या आप ये कर रहे हैं क्या आप इस तरह कर रहे हैं ये खुदा का कलाम है और ये इंतहाई बुनियादी है अगर आप इस बुनियादी चीज की फरमा बर्दारी नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा यह इतना मुश्किल क्यों है आप सिर्फ आमीन कहें और फरमान को माने क्योंकि यह खुदा का कलाम है जब आप सच्चाई से वाकिफ नहीं थे तो आप उनसे नफरत करते होंगे लेकिन अब जरूर है कि आप नफरत ना करें अगरचे वो आपके दुश्मन थे अगर आप उनके पास जाएं, उनके साथ सुलह करें और इस बरकत के लिए दुआ करें तो यह कितना अच्छा होगा रोमियो बार की बीसवीं आयत भी कहती है कि बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला वो हमें कहता है कि अपने दुश्मन को पानी पिलाएं वो हमें कहता है कि अपने दुश्मन को खाना खिलाएं अपने दुश्मन को खाना खिलाना और पिलाना मैं तो उसके सामने भी नहीं जाना चाहता मैं नहीं समझ सकता कि हर चीज के साथ ये किस तरह ठीक है आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए जब आपका दुश्मन ठीक नहीं कर रहा या उस वक्त भी जब आपका दुश्मन भूखा और प्यासा है तो आप जरूर उसको खाना खिलाएं और पानी पिलाए क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा तब उसके साथ आपकी बन सकती है और उससे सुलह भी हो सकती है जब हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखते और उनको माफ करते हैं तो खून बहाने वाले अफसोसनाक वाकआत मजीद खून बहाना जारी नहीं रखेंगे इसलिए हमें गर्म जोशी से खुदा का कलाम सीखना चाहिए जो कि नेकी का कामिल मायार है कलाम खुदा के दिल और उसकी मर्जी पर मुश्तमिल है जो कि बजात खुद नेकी है जो कुछ हम सीखते और अपने दिल में मुकम्मल करते हैं उसको अमल में भी लाना चाहिए ताकि हम मुकम्मल और सच्ची नेकी तक पहुंच सकें लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक नेकी की तकमील के अमल में कुछ अकदाम भी होते हैं ईमान भी सारा एक जैसा नहीं होता एक ईमान नए ईमानदार का होता है जिसने अभी निजात पाई होती है और एक ईमान उस शख्स का भी होता है जो रूह की तकमील कर चुका हो और जब आप ऐसा कामिल ईमान रखते हैं जो यसु मरकस सोला बाब में कहता है कि सच होता है वो कहता है और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजे होंगे और वो की बनाता है ठीक है वो निशाना उनके साथ होंगे आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि वो ईमान रखते हैं खुदा के बहुत से खादिम कहते हैं कि वो ईमान रखते हैं तो फिर उनके साथ निशानात क्यों नहीं होते उनको समझना चाहिए कि कुछ ठीक नहीं है जो कुछ वो कहते हैं वो गलत है उनको इसका एहसास होना चाहिए खुदा बाप का कलाम कभी

क्या यह इसलिए नहीं कि आप कामिल ईमान रखते हैं अगर वो कामिल ईमान रखते हो तो वो दूसरों की बदगोई और तोहमतबाजी कैसे करें वो किस तरह मुनसिफ बन सकते हैं सिर्फ खुदा बाप मुनसिफ बन सकता है लेकिन अगरचे वो बदी कर रहे होते हैं तो भी उनको एहसास नहीं होता कि बदी कर रहे हैं मैं नहीं समझ सकता कि वो मुनादी कैसे करते हैं जब हमें पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कदम उठाना होता है तो कामिल नेकी तक पहुंचने के लिए भी कदम होते हैं अब से मैं आपको कामिल नेकी की तकमील के अमल के चार मुख्तलिफ अकदाम के बारे में तफसी बताऊंगा नेकी का पहला दर्जा यह है कि जब कोई आपके साथ कोई बुरा अमल करता है तो अगरचे आप अपने अंदर कोई कमजोर एहसास रखते हो उसका रद्द अमल ना करना बिल्कुल भी ना करना आइए हम फर्ज करें कि कोई आप पर लानत कर रहा है और आपको मार रहा है और आप उस पर वापस लानत नहीं कर रहे बल्कि उसको बर्दाश्त कर रहे हैं आप सोचते हैं कि बराबर लड़ना किस काम का है खुदा हमें फरमाता है कि बराबर लड़ाई ना करें अल्बत्ता मुझे सिर्फ इसको बर्दाश्त करना है बस आप बदी से उसका बदला नहीं देते बल्कि अपने दिल के अंदर कमजोर एहसास को बर्दाश्त करना तकलीफदेह है क्योंकि आप मुतासिर होने के एहसास रखते हैं लेकिन क्योंकि आप खुदा के कलाम को जानते हैं अपनी तालीम दिखाते हैं आप सिर्फ अपने एहसास को जबत कर लेते हैं इस किस्म का शख्स भी शायद जाहरी तौर पर बहुत नेक और नरम नजर आता हो इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं हमारे इर्द गिर्द इस तरह के बहुत से लोग हैं क्योंकि वो बराबर लड़ाई नहीं करता बल्कि हालांकि वो मजाक नहीं है लोग कहते हैं वो कानून के बगैर भी रह सकता है लेकिन इस किस्म का शख्स हकीकतन खुदा की नजर में नेक नहीं होता यह इसलिए कि खुदा दिल के जाहिर को नहीं बल्कि नहीं बल्कि को देखता है बराबर लड़ने से यह जरूर बेहतर है लेकिन अगर आप अपने दिल के अंदर जलने वाले कमजोर एहसास को दबा लेते हैं तो भी खुदा इसको बदी में शुमार करता है इसलिए है कि आप अभी तक अपने दिल में बदी रखते हैं इसलिए अगर बदला बदी से नहीं देते क्योंकि आप अभी नहीं हो सकता जब मैंने अपने घर को दोबारा तामीर किया तो एक पड़ोसी था जिसने तलाफी का तकाजा कर दिया उसने कहा कि जब तुमने अपने घर की तामीर की तो मेरे घर को कुछ हो गया चुनाच मैंने अपने लोगों से कहा कि वो जो कुछ कहता है उसे कर दो दरअसल उसने मुझसे पहले अपना घर तामीर किया था जब उसने अपना घर तामीर किया तो उससे मेरे बाथरूम की दीवार पर कुछ दरारें पड़ गई थी और कुछ टाइल्स टूट गई थी लेकिन मैंने कोई तलाफी ना मांगी मैंने अपने लोगों को यहाँ तक कह दिया कि उसके साथ तकरार ना करना मैंने एल्डर चोए से कहा कि इसके मुताल शिकायत ना करना जब एक मकान बनता है तो ऐसी चीजें होती हैं। जमीन सरक सकती है और बाज बाजत दीवारें भी गिर सकती हैं। ये कोई बड़ा मामला नहीं है इसका जिक्र करने के लिए भी मत सोचना जब वो अपनी तामीर खत्म करने को था मैंने अपने घर की तामीरें नौ शुरू कर दी तब उसने उसी वक्त एतराज कर दिया वहां कुछ दराड़े और इस तरह की कुछ चीजें थी चुनाचे मैंने अपने लोगों से कहा कि उसकी तलाफी कर दो वैसे ही करो जैसे वो तकाजा करता है जब हम नेकी के पीछे चलते हैं तो शायद नुकसान में नजर आते हो मगर ऐसा नहीं होता हमारा खुदा बाप कितना खुश होगा खुदाबाप मुझे बरकत देगा अगर मैं खुदाबाप से बरकत हासिल कर सकूं तो बस मुझे ये किसी आदमी से नहीं चाहिए जितनी बरकत मैं खुदाबाप से हासिल करूं वो मेरी जरूरत के लिए सब कुछ है बस उसने एतराज किया कि उसकी दीवार पर कुछ दरारें पड़ गई हैं मैंने एलर चॉइस से कहा कि उसकी तलाफी कर दो मगर उसे यह ना बताना कि मेरी दीवार में भी दरारें पड़ी थी और कुछ टाइल्स भी टूटी थी वो जो कुछ मांगता है दे दो लेकिन आजकल ऐसे ईमानदार हैं जो दुनियादार लोगों से भी बढ़कर बुरा अमल कर देते हैं अगर वो हकीकतन खुदा पर ईमान रखें तो वो खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे जो नेकी से भरा पड़ा है और उसके मुताबिक रहने की कोशिश करेंगे अमसाल आठवें बाब की तेरवी आयत कहती है खुदावंत का खौफ बदी से अदावत रखता है गुरूर और घमंड और बुरी राह और कजरो मुंह से मुझे नफरत है हमारा बाप बदी से अदावत रखता है खुदावन का बदी से अदावत रखता है बदी से अदावत रखना हमारे खुदा बाप का खौफ है चूंकि हम बदी से अदावत रखते हैं हम सच्चाई और नेकी से रहते हैं और हम गुरूर घमंड और बुरी राह और कजरों मुंह से नफरत करते हैं इसलिए अगर आप हकीकतन खुदा पर ईमान रखेंगे तो आप खुदा का खौफ मानेंगे बदी से अदावत रखेंगे और नेकी से चलेंगे लेकिन अगर आप बदी से अमल करेंगे जैसे दुनियादार लोग करते हैं या खुदा पर ईमान रखने का इकरार करने के साथ साथ उनसे बढ़कर बदी करेंगे तो यह साबित होता है कि आप भी खुदा पर ईमान रखते हुए उसका खौफ नहीं मानते लूका का अठारवें बाप की आठवीं आयत में यसू ने फरमाया जब इबन आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा जैसे आखिरत नजदीक आती जाती है दुनिया गुनाहों से भरती जाती है और नेकी और उन लोगों को तलाश करना मुश्किल है जो सच्चा ईमान रखते हों। लेकिन जब तारीकी गहरी होती है तो थोड़ी सी रोशनी भी जाहिर हो जाती है बस इस दुनिया में जहां मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है और लोग बढ़ चढ़कर बदी कर रहे हैं अगर आप सच्ची नेकी के साथ अमल करें तो आप दुनिया के लिए रोशनी बन सकते हैं नतीजे के तौर पर आप खुदाबाप को अजीम जलाल देने के लायक ठहर सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने कमजोर एहसास को दबाने से बदी का बदला बदी से ना देने के बावजूद आप खुदा से हकीकी नेक शख्स के तौर पर पहचान हासिल नहीं कर सकते फिर किस किस्म के दिल और आमाल खुदा बाप की नजर में नेकी गिने जाते हैं नेकी का दूसरा दर्जा जिसके मुतालिक अब मैं आपको बताऊंगा वो पहले दर्जे की नेकी है जिसको खुदा पहचानता है अब तक मैं जो कुछ आपको बता चुका हूँ वो नेकी का पहला दर्जा है कोई बात नहीं मुझसे कौन अदावत रखता है या कौन मुझे बुरा कहता है मैं उससे तकरार नहीं करता बल्कि उसको समझता हूँ ये नेकी का पहला दर्जा है लेकिन खुदा बाप इस दर्जे को बतौर नेकी नहीं देखता ये वो नेकी है जिसको दुनिया के लोग नेकी समझते हैं दूसरे दर्जे की नेकी वो है जिसको खुदा बाप नेकी समझता है तो फिर नेकी का दूसरा दर्जा क्या है यकीनन आप बदी का बदला बदी से देने के लिए थोड़ी सी बेचैनी या कमजोर ऐसा साथ भी नहीं रखेंगे ये आपका कमजोर ऐसा साथ को दबाना और अपने दिल को तोड़ना ही नहीं कुछ भी हो आप दूसरे शख्स के खिलाफ किसी किस्म की नफरत या बेचैनी अपने दिल में नहीं रखेंगे ये अपने दिल में बिल्कुल बदी ना रखना है ये रूहानी शुमार किया जा सकता है इसे रूहानी समझा जा सकता है ये भी नेकी के उन दर्जात में से जिनको खुदा पहचानता है, एक छोटा सा दर्जा है बेशक हमारे इस दर्जे पर पहुंचने तक कुछ अकदाम है जब हम किसी बुराई में मुबतला होते हैं अगरचे हम बदी का बदला बदी से नहीं देते हम वक्ती कमज़ोर एहसास या अपने दिल का एहतजाज वगैरह रख सकते हैं लेकिन उन औकात में भी अगर हम अपने दिमाग पर काबू पालें और नेकी के साथ समझने की कोशिश करें तो हम नेकी की तकमील कर सकते हैं जहां हम किसी किस्म का भी कमजोर एहसास नहीं रखेंगे आप इन चीजों में से गुजरें आप फौरन उन कमजोर एहसास को भूल जाएं और उनको नेक एहसास में तब्दील करें आप इसको कई मरतबा दोहराए तो फिर क्या होगा आप मजीद कमजोर एहसास नहीं रखेंगे एक लम्हे के लिए भी नहीं आप जरूर ऐसे बन जाएं। इसको हम कमारी मरियम के शौहर यूसुफ के मामले में देख सकते हैं अगर एक आम आदमी को मालूम होता कि उसकी मंगेतर उसको जाने बिना हामिला है तो वो क्या करता क्या कर सकता था वो तोहमत लगाता कि मरियम ने हरामकारी की है बस शायद वो शरीयत के मुताबिक उसे सजा देने की कोशिश करता या अगर वो बर्दाश्त भी करता तो वो अपने दिल में जरूर बेचैनी महसूस करता वो बहुत कमजोर ऐसा साथ रख सकता था क्योंकि वो सोचता था कि उसको एक आदमी की हैसियत से फरामोश किया गया उसकी मंगेतर ने उसको धोखा दिया है मगर मती पहले बाप की उन्नीसवीं आयत कहती है बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया वो कैसा नेक है अब हमारे मर्द मेंबर्स बराए मेहरबानी सूरत हाल का तस्वर करने की कोशिश करें जैसे आप उसकी जगह पर होते आप क्या करते यूसुफ ने तो रूहुल कुछ भी नहीं पाया था उसने अपना खून बहाने के नजरिए से गुनाह के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं की थी मगर वो ऐसा नेक दिल रखता था इसलिए बाइबल मुकदस फरमाती है वो एक रास्तबाज आदमी था उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया उसने उसे मलामत करने की कोशिश नहीं की और वो उस पर नाराज भी नहीं हुआ उसने उसे बुरा नहीं कहा उसने उससे नहीं पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि तुम हामिला हो जबकि तुम्हारी मंगनी तो मेरे साथ हुई है पास वो उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था इसीलिए खुदा उसने एक यूसुफ को कह सका कि जो मरियम के पेट में है वो यसु है जो के निजात दहिंदा बनने वाला है वो नेक था इसलिए वो खुदा की आवाज को सुन सका सिर्फ नेक लोग ही खुदा की आवाज को सुन सकते हैं ये सिर्फ पुराने अहदनामे में ही क्यों मुमकिन है या सिर्फ नए अहदनामे के जमाने में ही क्यों है 21वीं सदी में ये क्यों नहीं है ये ऐसा ही है सिर्फ नेक लोग नेकी के लोग ही आवाज सुन सकते हैं अक्सर औकात नहीं बल्कि सिर्फ उस वक्त जब जरूरत हो खुदा उनको आवाज़ सुनवाता है जरूर है कि मसीही कम, कम इस तकमील करें। सिर्फ उस वक्त दुश्मन इबलीस और शैतान आपके साथ कुछ नहीं कर सकता और आप किसी किस्म की मुसीबत और आजमाइश का सामना नहीं करेंगे आप चर्च में शिरकत करने पर भी नहीं सताए जाएंगे इसके मुताबिक पहला जो पांचवें बाब की बाप आयत कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता ये कहती है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता फिर अगर आप गुनाह करें तो क्या है आप सच्चाई से वाकिफ हैं और आप एक चर्च के कारकुन हैं अगर आप गुनाह करें तो हमारा खुदा बाप क्या कहेगा बाइबल मुकद्दस वाज तौर पर फरमाती है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता इससे मुराद है कि आप नहीं कह सकते कि आप खुदा से हैं आप आज भी दुश्मन नब्लीस और शैतान के हाथों में हैं हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ और वो शरीर से छूने नहीं पाता अगर आप दुश्मन इब्लीस और शैतान के काम की फरमाबरदारी करें तो अगरचे आप पाबंदी के साथ चर्च आते भी हो आप ना तो खुदा से हासिल करेंगे और ना ही बरकत पाएंगे लेकिन अगर आप सिर्फ कम अज कम नेकी का वो दर्जा मुकम्मल कर लें जिसको खुदा पहचानता है तो आप रोशनी से तारीकी को भगा सकते हैं मैं जानता हूं कि आप इस हकीकत को समझते हैं और रूह में तब्दील होने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल आप में से बहुत सारे नेकी के इस दूसरे दर्जे के करीब तर आ रहे हैं मैं चाहता हूं आप में से वो जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं वो परखे के हकीकतन आपका दिल नेक है या नहीं फर्ज कीजिए आप किसी काम के मुख्तार हैं और आपके कारकुन की गलती से वो काम खराब हो जाता है या उसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है इस किस्म के मामले में आप में से बहुत सारे मेरे सामने तोबा करते और कहते हैं कि ये मेरी गलती है मैंने दरुस्त तौर पर इसका ख्याल नहीं किया आपके लिए ये बहुत कम होता है कि मेरे सामने अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने की कोशिश करते हुए अपने कारकुनों पर इल्ज़ाम लगाएं या मुझे कोई बहाना पेश करें ठीक है बाज़त ऐसे लोग होते हैं जो मेरे सामने ऐसा करते हैं मगर ये बहुत कम होता है लेकिन फिर आपने बाद में क्या किया क्या आपने हकीकतन जिम्मेदारी महसूस की और इसके मुतालिक अमल करने की कोशिश की या फिर फिर भी आप अपने दिल के कोने पर कारकुन पर कारकुन इल्जाम लगाना और जिस मुश्किल का आपने सामना किया उससे आते साथ के साथ उसे बुरे अल्फाज में डांटना चाहते हैं आपने मेरे सामने कहा कि ये आपकी गलती थी लेकिन फिर भी अगर आप छूट जाने के बाद कारकुन पर इल्जाम लगाएं तो आपको हकीकतन नेक नहीं समझा जा सकता आपको किस तरह से नेक समझा जा सकता है मेरे सामने आपने कहा कि ये आपकी गलती थी तो फिर जब आप घूमकर आते हैं तो अपने आदमी पर क्यों इल्जाम लगाते हैं क्या ये एक ताइब दिल है क्या ये ताइब दिल है अगर आपने कहा कि यह आपकी गलती है तो आपको मुड़कर अपनी तरफ देखना चाहिए और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए आप एक मुख्तार हैं आपको अपना आप बदलना है और मोहब्बत से रास्ता तलाश करना है कि उसकी रहनुमाई करें कि वो आइंदा गलती ना करे आपको उसकी हौसला अफजाई और उससे बेहतर काम करवाने का रास्ता तलाश करना है जब आप घूम कर आते हैं तो अपने आदमी पर दोष क्यों देते हैं ये कैसी बुरी बात है वो जो नेक हैं, हकीकता इकरार करेंगे कि ये उनकी गलती है और मुड़कर खुद को देखेंगे फिर खुदा बाप उन पर फजल करेगा और उनकी मदद करेगा ताकि आइंदा वही गलती ना हो अगर आप खुद पर दोष लगाते हैं और उनसे बेहतर काम करवाने के लिए पीछे देखने और खुद को तब्दील करने की सख्त कोशिश करते हैं तो खुदा बाप आपसे मोहब्बत रखेगा खुदा अपना फजल और कुत अता करेगा ताकि आप बदल सकें मसाल बारे बाप की दूसरी आयत कहती है नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरिम ठहराएगा एक और चीज है जो आपको परखनी है ये उस वक्त होती है जब आप किसी को डांट पड़ते हुए देखते हैं क्या आपने ये ना सोचा कि आपके लिए ये ठीक नहीं था क्योंकि आपका उससे ताल्लुक नहीं था या क्या आपने डांटने वाले शख्स के बराबर खड़े होकर उस शख्स को नहीं डांटा था क्या आपने उसकी खता का मजा नहीं लिया क्या आपने खता कर आदमी को देखकर खुशी महसूस नहीं की अगर आप वाकई नेक हैं तो जब आपकी वजह से किसी पर भारी वक्त आएगा तो आप अपने दिल में तकलीफ महसूस करेंगे अगरचे काम का ताल्लुक बरह रास्त आपसे नहीं था आप सोचेंगे अगर मैं उसकी मदद करता तो ऐसा ना होता आप अजियत के साथ मुड़कर खुद को देखेंगे इस तरह अगर काम का ताल्लुक बरह रास्त आपके साथ है तो आप तमाम चीजों में ईमानदार होंगे और आप बजाते खुद जिम्मेदारी ले लेंगे इसलिए शायद नेक लोग मुश्किल में फंसे हुए नजर आए लेकिन आखिर में वो खुदा की मोहब्बत और बरकत हासिल करते हैं चुनाचे बाजात ऐसा लग सकता है कि वो जो अपने दिल में नेक है मुश्किल में मुबतला हों मगर आखिरकार वो खुदा की बरकत हासिल करेंगे अब मैं आपके सामने पैगाम का खुलासा पेश करता हूं मसीह में अजीज बहनों और भाइयों हमने नेकी के दर्जात में से दूसरे दर्जे पर आज गौर किया पहला दर्जा बदी का बदला बदी से देना नहीं है मगर आप अपने कमजोर एहसास को अपने दिल में दबा लेते हैं आप ये याद कर चुके हैं ठीक है जो कुछ मैं आपको कहता हूं आपको दिल में याद करना चाहिए शायद दुनियादार लोगों की नजर में ये नेकी हो मगर खुदा की तरफ से उसको शनाख्त हासिल नहीं हो सकती बल्फाजीगर ये दूसरा दर्जा और इससे ऊपर का दर्जा नेकी समझा जाता है वो दर्जा जो खुदा के सामने बतौर नेकी पहचाना जा सकता है वो दूसरा दर्जा है दूसरे दर्जे में आप ये जिक्र किए बगैर कि आप अपने दिल में कमजोर एहसास रखते हैं बदी का बदला बदी से नहीं देते क्या आप अब तक मेरे साथ हैं जब आपको किसी वाक्य का सामना होता है आप कहते हैं कि आपको कमजोर एहसास हुआ इसका मतलब है कि आप अब भी अपने दिल में बुराई बाकी रखते हैं जरूर है कि आप इससे छुटकारा पाएं, आप जरूर इसको दूर फेंकें, आप सिर्फ तभी अपने दिमाग और दिल पर काबू पाएंगे लेकिन बाजत ऐसे अम्काना होते हैं कि आपको अपना रास्त गुस्सा जाहिर करना पड़ता है लेकिन इसको नेकी से आना चाहिए जिस तरह हमारे खुदावंद यसु मसीह ने किया हमारा खुदावंद बहुत परेशान था क्योंकि लोग हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे उसने कपड़े का एक कोड़ा बनाया और मेज़ों को उलट दिया उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो खुदा बाप के घर की बेहरमती करते थे वो मुकदस हेकल को गंदा करते थे वो हैकल के अंदर खरीदो फरोख्त इसलिए नहीं करते थे कि हैकल के अंदर सिर्फ सरदार काहिन और काहिन ही दाखिल होते थे वो बाहर कुर्बानियां गुजरानते थे चुनाचे वो के बाहर चीजें बेचते थे वो खुदा को नजर करने के लिए गाय और बैल की खरीदो फरोख्त वगैरह करते थे लेकिन हमारा खुदावंद गुस्से हुआ लेकिन आजकल लोग हैकल के अंदर अपना गुस्सा दिखाते रहते हैं वो गुनाह करते हैं और वो हैकल के अंदर खताए करते हैं वो कैसे ये जरूरत करते हैं वो हाइकल के अंदर ये करते हैं और वो खुदा की आंखों के सामने ये करते हैं और वो खुदा बाप की बेहरमती भी करते हैं वो कैसे जरूरत करते हैं वो नेकी से दूर हैं? जरूर है कि वो बार बार पशेमान हो अगर वो खुदा की लानत को तोड़ना और गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं तो उन्हें बार बार तोबा करनी चाहिए चुनाचे ये है नेकी जो आपके दिल में नहीं बल्कि कमजोर ऐसा साथ अगर आप सिर्फ नेकी का दूसरा दर्जा मुकम्मल कर लें तो आप अपने दिल में आसमान की बादशाही पाएंगे आप बेचैनी या मुश्किल नहीं रखेंगे आप हर रोज़ सिर्फ बाप के फ़जल और मोहब्बत से मामूर होंगे और आप सिर्फ़ खुशी शादमानी और शुक्रगुजारी पाएंगे मैंने आपको बताया कि जब आप रूह में आएंगे तो रोहल खुद साहब को इतमिनान शादमानी और खुशी बख्शेगा ठीक है जब आप इस तरह रूह में आएंगे आप पर वो नेकी आएगी और आप पर पहले ही वो नेकी आ चुकी है तो आप पहले ही रूह में आ चुके हैं आप पहले ही इसे रूह बना चुके हैं दुश्मन इबलीस और शैतान आप पर काम नहीं कर सकता और अगर आप पर आजमाइश आ भी जाती है तो ये बरकत की आजमाइश है जो कोई पहले ही रूह में आ चुका है अगर वो आजमाइश में पड़ता है तो ये उसको पूरे रूह में ले जाने का एक इम्तिहान होती है रूहानी सल्तनत में भी दर्जे होते हैं आला दर्जे की जाने बढ़ने के लिए आपको इम्तिहान पास करना जरूरी होता है और ये इम्तिहान बरकत के इम्तिहान होते हैं एक बार आप इसमें कामयाब हो जाएं तो आपको बरकत मिलेगी उन आजमाइशों के जरिए आप रूह के दर्जे में आ सकते हैं जहां खुदा बाप आपको ले जाना चाहता है आप जिस कदर रूह के आला दर्जे की तरफ बढ़ते हैं उसी कदर ज्यादा काबू पा सकते हैं आप सिर्फ नेकी से ही हर किस्म की सूरत हाल में कामयाब होने के लायक हो सकते हैं चुनाचे आजमाइशों में से गुजरने के बाद सिर्फ इतमान और इनामात आपका इंतजार करेंगे जो खुदा ने तैयार कर रखे हैं खुदा आप यकीन आपको इनामात अदा करेगा तब अगर आप नेकी के आला दर्जे की तकमील कर लें तो आप कैसे खुशबाश होंगे और बरक़ात कैसी अजीम होंगी मैं उम्मीद करता हूं कि आप फौरन बदी से छुटकारा पाएंगे और नेकी के दूसरे दर्जे में चले जाएंगे और कलाम सुनने के तकरीबन एक माह बाद नेकी के तीसरे और चौथे दर्जे में जाएंगे मैं खुदावंद के नाम में दुआगो हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी के हर लम्हे में आपके साथ चले और आप पर खुश हो आमीन बीमारों के लिए दुआ मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं आप अपने बदन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बीमारी है और इस दुआ से इस्ता कीजिए अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए खुदा का जिंदा कलाम वक्त और फासले की कई से आजाद है और आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए काम करेगा आप जहाँ कहीं भी हों अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा खुदा की कुदरत के हैरान काम देखेंगे हालेलुया, खुदा, तू जो मोहब्बत है अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम जी देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते हैं अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की कयूद से आजाद हैं, इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक को, को शुभात खत्म हो जाएं, इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किल जाती रहे रुहलकुद की आग से जलाकर और यस्सू के पाक खून के वसीला से धोकर पाक कर दे सर से लेकर पाँव तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तखलीकी कुत आशकार हो एंसर मैनिफेस्ट मोस्ट हाई फॉर ऑफ क्रिएशन मैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान तमाम बीमारियों जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूँ कि इन बदनों से अलग हो जाएं। तमाम छूत की बीमारियाँ जाती रहें। हर वो बीमारी जो ला इलाज है और नई दरिया शुदा बीमारियाँ रुच की आग से जल कर भस्म हो जाए आप बीमारी से पाक होकर जोर पाए मेदे का कैंसर फेफड़ों का कैंसर रहम का कैंसर जल्द का, का कैंसर आंतों का कैंसर एक ज़हनी दिल का आर्ज़ा, फेफड़ों की बीमारियाँ हर किस्म के जनाना अमराज बुलंद पशार खून शुगर जल्दी अमराज हर किस्म की सोजन जाती रहे पोलियो फॉलेज जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए हर किस्म का सर दर्द और हादसात के नतीजे में पैदा होने वाली हर जिस्मानी तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे बीमारी की वजह से थकान नजला जुकाम और गिल्ल जैसी बीमारियाँ रूहल कुछ की आग से जलकर भस्म हो जाएं मिर्गी जहनी माजूरी जहनी दबाव और तमाम जहनी बीमारियाँ ये सु के नाम से जाती रहे हर किस्म की तारीकी खत्म हो जाए और इनके दिलों में इतमान और शादमानी आ जाए खुदा बाप तख्लीक की अजीम तरीन क़ुत के वसीला से ये जिस्म जो कमजोर हो चुके हैं दोबारा से जोर पाए फालिज के जकड़े आज़ाद हो जाए और लंगड़े चलना और छलांगे लगाना शुरू करें नजर की कमजोरी जाती रहे बहरे सुनना शुरू कर दें अंधे बिनाई हासिल करें और गूंगे लोग बोलना शुरू कर दे खुदाबाप बा को औलाद की बरकत अता फरमा टूटी हड्डियों को जोड़ दे और जिसम के तमाम जले हुए हिस्से मुकम्मल तौर पर शिफा जाब हो जाए नशा की लालत में गिरफ्तार लोगों को रूहल कुछ की आग के वसीला ऐसी पाक और साफ कर दे जिसम के तमाम मुर्दा खुलिए जिंदा हो जाए तमाम तारीखी जाती रहे और इब्लीस की महफूज रख और, और इनको बरकत जिंदगी बसर करें एक फर्जंदों को घरों और कारोबार की जगह पर रूहुल कुछ की आदिशी बाढ़ में महफूज रखना और तेरी आँखें जो आग के शोला की माने इनको देखती रहे इनका बाहर जाना और अंदर आना मुबारक हो इन्हें बरकत दे ताकि ये लोगों को कर्ज लेकिन किसी से कभी कर्ज ना लें। इन्हें और दें। और उन पर फजल कर के वो से मामूर हो जाए अपने खादमों को वो काम करने की तौफीक और फजल अता फरमा जो तूने उन्हें सौंपा है हर चर्च में एक इनकलाब برپا कर दे अपने बच्चों की रहनुमाई कर ताकि वो तुझे जलाल دیں، जो भी काम वो करें अपने अजायब का जहूर फरमा ताकि वो अपने लबों से तेरी गवाही दें कि वो तुझसे मिले हैं और तू उनकी दुआओं को कबूल करता है खुदा बाब मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ तुझे ही सारा जलाल देता हूँ मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ आमीन